Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers. जी viewers, बारिश हो रही है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यानी सामने बारिश है और सीजी के साथ बैठा हूँ। एक अदब जाहिर है, मोटर बाइक पे कहीं जा नहीं सकते। और आज के प्रोग्राम में व्यूअर्स, मेरा जो मकसद था, आपने जैसे थंबनेल से देखा कि आपको पता कि मेरे पास दो होंडा के सीजी 125 हैं, ये एससी है और दूसरा सादा वाला है 2018 का। और मैं व्यूअर्स लेना चाह रहा हूँ एक मोटर बाइक बेच कर, ऑब्वियसली 2018 वाली दूंगा क्योंकि ये बेटर है उससे, बेटर इन द सेंस के सेल्फ मिल जाता है मुझे और 5 गियर्स मिल जाते हैं। और अगर आप कहें दौड़ की बात, तो नहीं दौड़ उसकी ज़्यादा है क्योंकि किलोमीटर्स उस पर ज़्यादा हैं, अभी ये चली भी कम है, बाद में जाके शायद वो बराबर हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑप्शंस मुझे इसमें ज़्यादा मिल रही हैं और मैं चाह रहा था कि वो देख कर और कोई और मोटर बाइक लूँ उसकी जगह, और उसकी जगह जो मोटर बाइक लूँ वो ऐसी मोटर बाइक हो जो ऑब्वियसली ज़रा थोड़ी सी जानदार हो। ऑब्वियसली मतलब दो 125 सीसी कोई तुक नहीं बनती, यानी कोई भी चाहे मतलब सीसी उतने, मैं होंडा की नहीं बात कर रहा, चाहे होंडा या जो, दो 125 मुझे नहीं मज़ा कर रहे, कोई तुक नहीं बनती। तो मैं लेना चाह रहा हूँ, मैं मतलब कुछ मोटर बाइक्स कंसिडर कर रहा हूँ। चलें आप भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, जैसे होंडा की मैं कंसिडर कर रहा हूँ 150 भी, अच्छा एक होंडा की 150 हो गई, दूसरी हो गई जी दूसरी लेकिन वो एक्सपेंसिव है, सुजुकी की जिक्सर जो 150 है, सब वो काफ़ी एक्सपेंसिव, वो तुक नहीं बनती। तीसरी जो है GR 150 भी है सुजुकी की, लेकिन ठीक है वो, लेकिन मैंने कभी मतलब सुजुकी खैर ऑन नहीं की, रख तो रहे हैं लोग, उसकी पावर भी ठीक है, लेकिन मैं मतलब मैं पर्सनली होंडा को उस पर ज़रा बेहतर समझता हूँ लुक्स के हिसाब से और वैसे भी। और एक मोटर बाइक और मैं कर रहा हूँ कंसिडर, वो बिनेली की TNT 150 आए, लेकिन बस उसका भी सोचता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उसकी पेक वगैरह क्या है और क्या जी। और ख़ास देना मकसद जो ख़ास जो स्पेशल बात आपसे शेयर वो ये करनी है कि मोटर बाइक में वो चाह रहा हूँ जो थोड़ी पिक में और थोड़ा सा स्पीड में, फिर वो ना हो कि जी मेरे दाएं बाएं होंडा सीजी वाले को इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ी ऐसी मोटर बाइक हो जो थोड़ी बेहतर हो और थोड़ा सा मुकाबला तो करे ना, ये जहन में रखना है। और कंफर्ट तो ज़ाहिर है हो, अगर ये रखी है तो ज़ाहिर है कंफर्ट तो फिर किसी में भी होगी, मतलब सबसे कम कंफर्ट ऑब्वियसली इसकी है, ये तो मानने वाली बात है, तो बाकियों की मेरा ख्याल है बेहतर ही है कंफर्ट। और जी एक और मोटर बाइक है बिनेली की जो TNT 250 या 25 भी कहते हैं, 25 और 250 वो भी है, लेकिन वो ज़रा एक्सपेंसिव हो जाती है, आई डोंट नो कि पार्ट्स पे पार्ट्स का क्या है सीन इनका। और मतलब ये मोटर बाइक से मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं, और आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या लेना चाहिए, कि अगर मैं होंडा CB 150F मिसाल के तौर पे लेता हूं तो आई डोंट नो कि वो हॉर्स पावर मुझे कितनी देगी, और पेपर से तो जो भी है, लेकिन चले घूमने में क्या इसका मुकाबला करेगी। अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे से आप बात समझें, अच्छा अच्छा मतलब ये नहीं कि पेक में पता चले कि फिर ये आगे प्र करके, और दाएं बाएं मेरे वही आ रहे हैं सीजी वाला, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से, जो करते हैं सीजी पे आम तौर पर। अच्छा एक जो 150 आए हैं बिनेले के, वो शेप में मुझे बहुत पसंद है, प्राइस 330 है उसकी, प्राइस भी ठीक ही है, लेकिन आई डोंट नो कि पिक में, अब जिन्होंने रखी वही मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि पिक में और वो कैसी है, कि क्या इसके साथ कंपैरिजन नहीं है, शायद उनको बुरा भी लगे, लेकिन जाहिर ऑब्वियसली मैं तो देखूंगा कि क्या इसका मुकाबला करेगी पिक में करेगी। और टॉप स्पीड तो चलो एक और चीज़ है, लेकिन पिक आपको तभी मिलती है जब टॉर्क होती है, और हॉर्स पावर और टॉर्क स्पेशली ये चीज़ें कम्बाइन हो तो आपके फिर वो ऑब्वियसली मिलती है, वेट भी काउंट करता है।
तो वो मैं चाहता हूँ इससे बेहतर हो व्यूअर्स, और बिल्कुल आप मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं व्लॉग्स आपके लिए बेहतर लाऊं, बेहतर से बेहतर आए दिन ब दिन, क्योंकि होंडा सीजी पे ये तो ठीक है, दूसरे वाले से मैं ज़रा बोर हो गया हूँ, तो बेहतर कर सकता हूँ मेरा ख्याल है कि व्लॉग्स आपके लिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और बिल्कुल व्यूअर्स आपके जो ये कमेंट्स होंगे, ट्राई टू बी पॉजिटिव, इन सब कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी आपको करूँगा, और बिल्कुल इससे नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो स्टे ट्यून व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।